each and every one of you. Today is the last day of the FDP, and I request Dr. Pramod Gupta sir to please take charge. Thank you, ma'am. Many, many thanks to you. Myself, Dr. Pramod Kumar Gupta. Today, I will continue on academic integrity. My dear friends, actually, academic integrity ko, we have not a syllabus on academic integrity. And in my opinion, we cannot define with a syllabus academic integrity. हम कर भी नहीं सकते. शैक्षणिक शुचिता को, शैक्षणिक ईमानदारी को किसी सिलेबस से परिभाषित नहीं किया जा सकता है. बहुत ही इन माय ओपिनियन ये बहुत ही टफ वर्क है. और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन रिसर्च पेपर, वी आर वर्किंग ऑन रिसर्च थीसिस, तो वी शुड टेक केयर ऑन एवरी पार्ट ऑफ रिसर्च. हम सभी को अपने रिसर्च के एवरी पार्ट पर बहुत ही ऑनेस्टी से काम करना चाहिए. और कभी कभार देयर आर मैनी गाइज हु टेक सम कंटेंट फ्रॉम अनदर सोर्सेस, हु टेक डेटा फ्रॉम सम अदर अनदर सोर्सेस. तो कहीं ना कहीं हमें इस शैक्षणिक शुचिता का, इस शैक्षणिक ईमानदारी का शोध के प्रत्येक पार्ट में बहुत ही ध्यान रखना चाहिए. और सबसे पहले वी स्टार्ट टू विद इन फर्स्ट चैप्टर. वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर. पहले अध्याय से हम शुरू करते हैं. पहले अध्याय में वो किसी भी टॉपिक पर काम हो रहा हो, रिसर्च हो रहा हो, पहले चैप्टर में लगभग लगभग इंट्रोडक्टरी चैप्टर होता है. वी राइट देयर द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ योर रिसर्च. वी राइट डेफिनेशंस अबाउट रिलेटेड टू योर रिसर्च प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम. वी राइट देयर कीवर्ड्स. और कहीं ना कहीं पहले चैप्टर में हम भूमिका को लिखते हैं, अपने चैप्टर से, अपने टॉपिक से कनेक्ट करते हुए हम वहां पर भूमिका लिखते हैं. और हमारे शोध कार्य में जो भी कठिन शब्द आते हैं या जो भी चर आते हैं, हम उनको परिभाषित करते हैं वहां पर. तो आप चाहें तो डायरेक्टली वो कहीं ना कहीं से आप ले सकते हैं, और आप लेते भी. अप्रॉक्स अधिकतर रिसर्चर ये कीवर्ड्स या ये डेफिनेशंस कहीं किन्हीं ना किन्हीं दूसरे सोर्सेस से डायरेक्टली ले लेते हैं. मैं कल बात कर रहा था आप लोगों से, और वी वेयर लुकिंग स्मूथली थ्री वर्ड्स, फाल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड प्लैगरिज्म. प्लैगरिज्म के बारे में वी हैव सीन बिफोर, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेग्रिटी. तो फाल्सिफिकेशन और फैब्रिकेशन, उसका रिलेशन प्लैगरिज्म से भी है और उसका रिलेशन एकेडमिक इंटेग्रिटी से भी है. अगर हम डायरेक्टली, बहुत से रिसर्चर ऐसा करते हैं कि वो डायरेक्ट टॉपिक में ही कुछ चेंजेस करके, जैसे कि हम सभी जानते हैं, वी नो वेरी वेल अबाउट द प्रोसेस ऑफ द चूजिंग ऑफ टॉपिक, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम. वी डू रिव्यू रिसर्च एंड चूज अवर टॉपिक फ्रॉम रिव्यू रिसर्चेस. लेकिन उसका तरीका क्या है? उसका एक प्रॉपर तरीका है कि वी शुड डू रिव्यू रिसर्च एंड वी शुड सर्च सम लूप होल्स. वी शुड सर्च सीक सम पिट होल्स. यदि हम पहले से पूर्व में हुए शोध कार्यों को पढ़ते हैं,
अपना शोध शीर्षक चयनित करने के लिए और उस शोध कार्य में हम ऐसे गैप तलाशते हैं, इस तरह की कमियों को खोजते हैं जिन पर इससे पहले कार्य नहीं किया गया है। बेसिकली हमें अपना टॉपिक वहां से चूज करना चाहिए। लेकिन अधिकतर जो शोधार्थी होते हैं वो प्रीवियस रिसर्चेस का अध्ययन करते हैं और उस उन रिव्यू रिसर्चेस से थोड़े बहुत हेर फेर करके, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके वो अपना टॉपिक बना लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एकेडमिक इंटेग्रिटी का वायलेशन है और आपको अपना टॉपिक चूज करने में ही ये एक फर्स्ट स्टेप है आपके रिसर्च का और यहीं से आपको प्रारंभ से ही इस एकेडमिक इंटेग्रिटी का ध्यान रखना चाहिए। वी शुड चूज अवर टॉपिक फ्रॉम अनदर रिव्यू रिसर्चेस बट ये टॉपिक लूप होल से या पिट होल से या नीड, अक्सर हम पढ़ते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है और इस फ्रेज को कहीं ना कहीं हमें फॉलो करना चाहिए और जिन चीजों पे हमारी आवश्यकता हो, जिनकी नीड हो, हमें वही टॉपिक चूज करने चाहिए जिन पर काम नहीं हुआ हो। अच्छा, टॉपिक की हम बात करते हैं तो अक्सर हम लोग ये पूछते हैं कि क्या हम ऐसा टॉपिक चूज कर सकते हैं जिस पर ऑलरेडी वर्क किया जा चुका है, क्योंकि वी नो वेरी वेल देयर इज ए वन कंडीशन कि अवर रिसर्च वर्क शुड बी जेन्युइन। अक्सर आप पढ़ते हो कि शोध कार्य की एक ये सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए कि वो मौलिक होना चाहिए। तो यहां मौलिक से तात्पर्य ये नहीं है, मौलिक से तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी टॉपिक पर काम हो चुका है तो हमने उस पर काम नहीं करना है। हमको उस पर काम करना है, लेकिन ये ध्यान रखते हुए काम करना है कि इससे पहले उन लूप होल्स पर काम नहीं हुआ हो, और अगर काम हुआ भी हो तो मे बी वहां पर टाइम गैप हो। इफ एनी रिसर्चर हैव डन हिज रिसर्च ऑन प्रीवियस टॉपिक, यू कैन डू आल्सो। कोई दूसरा कर चुका है और उनके पहले भी कोई कर चुका है और उनके पहले भी कोई कर चुका है, तो वहां हम टाइम गैप को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला रिसर्च इंटेग्रिटी का वायलेशन हमसे टॉपिक में होता है और हमें वहां इसको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा वायलेशन हमसे एक्सीडेंटली हो जाता है व्हेन वी राइट आवर डेफिनेशंस related to our topic, related to our research problem, then we take the definitions directly from another sources. यहां हमें ये ध्यान में रखना है कि हम जो भी definitions ले रहे हैं या जो भी हम keywords quote कर रहे हैं, वो keywords हम use तो करें लेकिन ये कंटेंट बहुत लिमिटेड होना चाहिए। वी शुड प्रोड्यूस प्री अवेलेबल डेफिनेशंस एंड कोटेड वर्क, ऑब्वियसली वी शुड टेक, लेना चाहिए, बट विद ओन वर्ड्स, अपने शब्दों के साथ भी वहां हमको राइटिंग करनी चाहिए। हमें अपना दृष्टिकोण भी वहां पर प्रस्तुत करना चाहिए और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। और ऑब्जेक्टिव के पहले भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इफ यू हैव डन योर रिव्यू रिसर्चेस देन यू हैव टू सर्च रेशनल। अगर आपने अपने रिव्यू रिसर्चेस का बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन किया है तो कहीं ना कहीं आप उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को मैच कर पाएंगे और मैच करने के बाद एक कंक्लूजन निकालेंगे
ये पिट होल है, ये लूप होल है और हमने इस पर काम करना चाहिए, और हमको इस पर काम करना चाहिए, तो इसी से तैयार होगा आपका रेशनल, आपके शोध कार्य का औचित्य। अगर आपने रिव्यू रिसर्चेस को ठीक ढंग से थारोली स्टडी किया है, तभी आप अपना रेशनल मींस शोध का औचित्य लिख पाएंगे। एंड व्हेन यू विल राइट योर रेशनल ऑफ द टॉपिक, रेशनल ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, देन यू विल गेट ऑब्जेक्टिव्स। स्वयमेव आप अपने उद्देश्य प्राप्त कर लेंगे, जस्ट आपको उनको वर्डिंग्स देने, आपको उन्हें शब्द प्रदान करने। अगर आप अपने शोध का औचित्य, रिव्यू रिसर्चेज आप ठीक से करते हैं, तो आप अपने शोध का औचित्य खोज लेंगे, और शोध का औचित्य यदि आप लिख लेते हैं, तो आप अपने शोध के उद्देश्यों को भी लिख लेंगे। बहुत इजी हो जाएगा शोध के उद्देश्यों को लिखना। और मैं अक्सर ये पा रहा हूं कि मैनी रिसर्चर्स आर कॉपीइंग द ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम प्रीवियस वर्क्स। नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग प्रीवियस रिसर्चेस से उन ऑब्जेक्टिव्स को, पूर्व में जो शोध कार्य हुए हैं वहां से कुछ उन्होंने कॉपी कर लिए और कुछ बढ़ा दिए। In my opinion, you should not do this type of mistake. आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो यदि कोई भी आपके शोध का अध्ययन कर रहा है या उस शोध से संबंधित एक्सपर्ट है, तो वो रिकॉल कर लेगा, या प्लैगरिज्म में सॉफ्टवेयर रिकॉल कर लेगा, तो आपको अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स दूसरे ये प्रीवियस रिसर्चेस से लेने की बजाय स्वयं ही लिखना चाहिए। एंड नेक्स्ट पार्ट इज योर हाइपोथेसिस। अगर मैं यहां हाइपोथेसिस का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आपके ऑब्जेक्टिव से ही आपके हाइपोथेसिस बनेंगे। यदि आप टू स्टडी द कंपैरिजन ऑफ फला फला, अगर आप कंपैरिजन वहां पे शो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली you will choose t-test and you will choose null hypothesis. Agar aap quantitative work kar rahe hain aur comparison kar rahe hain, to your objective will reflect your hypothesis. Agar aap wahan assumption bana rahe hain, to alag baat hai, descriptive work bhi aap karenge, vivaranatmak karya karenge, agar wo quantitative nahi hai to। लेकिन अगर आप क्वांटिटेटिव वर्क कर रहे हैं और आपने अपने ऑब्जेक्टिव को क्वांटिटेटिव मोड में फ्रेम किया है, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स से आपके हाइपोथेसिस रिफ्लेक्ट होंगे। इफ यू आर चूजिंग टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ, इफ यू आर चूजिंग द इंफ्लुएंस, इफ यू आर चूजिंग द इंपैक्ट, देन एनी एक्सपर्ट विल अंडरस्टैंड automatically your hypothesis, you will use ANOVA. अगर आप influence लिख रहे हैं अपने objective में, या effect लिख रहे हैं, या to study the impact लिख रहे हैं, तो automatically ये reflect करेगा आपके hypothesis को। Means आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सेट फॉर्मुलेशन पर, सेट वर्डिंग पर जाना चाहिए। बहुत से लोग यहाँ पर स्टेटमेंट्स यूज करते हैं और वो स्टेटमेंट्स मैच नहीं करते हैं आपके हाइपोथेसिस या एजम्पशंस से। अभी मैं देखता हूं कि एक नई विधा है, वो रिसर्च मेथडोलॉजी कम है, प्रोसेस ऑफ सैंपलिंग ज्यादा है, ग्राउंडेड थ्योरी। वहां अक्सर लोग उस विधा में डायरेक्टली सैंपल कलेक्ट किया जाता है, हम सीधे सैंपल कलेक्ट करने चले जाते हैं। इफ यू आर डूइंग रिसर्च ऑन माइग्रेंट लेबर, देन वी विल गो देयर
पर माइग्रेशन हो रहा है, हम वहां जाएंगे डायरेक्टली, उनसे बात करेंगे और उस समस्या में सैम्पलिंग करेंगे. इसके बाद वी विल डिसाइड अवर ऑब्जेक्टिव्स एंड अवर टॉपिक. तो अक्सर लोगों को मैं देख रहा हूं कि वो ऑब्जेक्टिव्स की फ्रेमिंग में गलतियां करते हैं और उससे उनके हाइपोथेसिस या एजम्पशंस ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं. इसलिए मैं आपको यहाँ हाइपोथेसिस के बारे में बता रहा था, जबकि हमें वी शुड कंसंट्रेट ऑन सेकेंड चैप्टर. आफ्टर फर्स्ट चैप्टर वी शुड कंसंट्रेट ऑन सेकेंड चैप्टर. इन राइटिंग ऑफ रिव्यू रिसर्चेस हम वी हैव टॉक्ड अबाउट द राइटिंग ऑफ रिव्यू रिसर्चेस इन प्रीवियस लेक्चर्स. मैं कल और परसों भी आपको ये बात बार बार बोल चुका हूं कि देयर इज ए लिमिटेशन टू राइट आवर रिसर्च रिव्यूज. यहां हमारे पास एक लिमिटेशन है और उस लिमिटेशन में हम थोड़ा सा लिबर्टी से काम कर सकते हैं, और वो लिबर्टी ये है, यू कैन नॉट चेंज द रिसर्च वर्क, यू कैन नॉट चेंज द ऑथर वर्क, यू कैन नॉट चेंज ईयर, यू कैन नॉट चेंज रिसर्चर्स ऑब्जेक्टिव्स, यू कैन नॉट चेंज रिसर्चर्स कंक्लूजंस, बट यू कैन इंक्लूड योर ओपिनियन अबाउट दोज रिसर्चेस. आप वहां पर अपने शब्दों में अपना दृष्टिकोण उस शोध के प्रति सम्मिलित कर सकते हैं, जैसा कि आपने रेशनल में किया था. रेशनल में आपने पहले से पूर्व में हुए शोधों पर एक क्रिटिक किया था, उनकी कमियों के बारे में इंगित किया था, और आपने ये बात की थी कि वहां ये लूप होल्स रह गए थे, वहां ये लैक्स रह गए थे, और उन्हीं पर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं. तो आपने रेशनल में किया था वही काम, वहां तो आप कहीं ना कहीं आप अपने टॉपिक का यूटिलिटी बता रहे थे, लेकिन यहां पर आपको बिल्कुल अनबायज रहना है, बिल्कुल पक्षपात रहित होते हुए यहां पर आपको क्या जिस्ट निकल रहा है इस रिव्यू रिसर्च से, आपको यहां पर यह बताना चाहिए. और ये भी कहीं ना कहीं एकेडमिक इंटीग्रिटी का वायलेशन है इफ यू आर राइटिंग, इफ यू आर टेकिंग डायरेक्टली, इफ यू आर टेकिंग रिव्यू रिसर्चेस फ्रॉम अनदर सोर्सेस डायरेक्ट. अगर आप प्रत्यक्ष ढंग से कहीं से उसको ले रहे हैं, देयर आर सो मैनी डेटाबेसेस इन वन डिकेड. एक दशक में एक ये ट्रेंड हो गया है कि every country have made its a database on research database. सभी देश लगभग लगभग, और कुछ देशों में तो दो दशक से भी, तीन दशक से भी. जैसे अमेरिका एरिक की स्थापना बहुत पहले कर चुका है, हमने अभी कुछ हाल ही के वर्षों में की है इंफ्लिबीनेट के रूप में, और प्रोजेक्ट का नाम शोध गंगा है. उसी तरह से ऑस्ट्रेलियन डेटाबेस भी है, उसी तरह से मैक्सिकन डेटाबेस भी है, ढेर सारे डेटाबेसेस हैं. आई विल सेंड यू इन व्हाट्सएप ये सारे डेटाबेसेस के नेम्स और जो यूआरएल हैं. आई विल ट्राई टू सेंड योर व्हाट्सएप ग्रुप, मैं प्रयास करूंगा. तो हमको वी शुड डू ऑब्जर्व, we should do read, quote, cited, करने चाहिए हमको, सभी करने चाहिए. लेकिन कहीं ना कहीं हमारा अपना व्यू भी रिव्यू रिसर्च में लिखना चाहिए. APA always इसका विरोध करता है कि आपका अपना फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, इसका एक फिट ट्रेंड है, फिट सेट है. लेकिन अगर आप इसी सेट को यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्लैगरिज्म में प्रॉब्लम क्रिएट करता है. और प्लैगरिज्म से, प्लैगराइज मैटर से बचने के लिए सेकंड चैप्टर में हमको क्या क्या करना चाहिए,
इस बारे में हमको कोई भी एडवाइस नहीं करता है। तो ये सेकेंड चैप्टर की बात होगी। और एक बात मुझे यहाँ मैं फिर से कहना चाहूंगा रिलेटेड टू चैप्टर कि वी आर वर्किंग ऑन सो ट्रेडिशनल टॉपिक्स, हम कंटिन्यूअसली उन्हीं पुराने परंपरागत चरों पर, वेरिएबल्स पर काम कर रहे हैं, टॉपिक्स पर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ हमें नया सोचने की जरूरत है। जैसे आपने देखा होगा कि फिजिकल एजुकेशन में जो अपने टूल्स हैं वो हमारे पास बहुत ही कम, इंडियन एडेप्शन या इंडियन टूल्स बहुत कम है। बहुत जो भी टूल हमारे पास अवेलेबल है वो फॉरनर्स के ही टूल्स अवेलेबल हैं। कहीं ना कहीं हमें न्यू वेरिएबल्स भी इन्वेंट करने चाहिए। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि हमारी माइथोलॉजी में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे सोसाइटी में दीज आर मैनी प्रॉब्लम्स एंड वी शुड सर्च और सीक द सॉल्यूशंस। हमें अपने शोध के माध्यम से उनका हल खोजना चाहिए। और हमारी सबसे बड़ी एकेडमिक इंटेग्रिटी इसी में है कि हम किसी ऐसे रिसर्च टॉपिक पे काम करें जहां पर कुछ न्यू थ्योराइजेशन हो रहा, न्यू जनरेशन हो रहा, जो कि नहीं होता है। वी आर प्रोड्यूसिंग सो मैनी पीएचडीज इन एवरी ईयर, हम प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पीएचडी डिग्री जनरेट करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि उनमें से कोई भी ऐसा रिसर्चर नहीं है जो अपनी पीएचडी के थ्रू कुछ नया जनरेट कर रहा हो? या तो वो मेथोडोलॉजी में उलझ जाता है, या तो पेजेस की काउंटिंग में उलझ जाता है, और या तो वो कट कॉपी पेस्ट में उलझ जाता है। हम अगर रिव्यू रिसर्चेस को ठीक ढंग से थरोली स्टडी करेंगे, उनकी कमियों पर काम करेंगे, तो ऑब्वियसली हम कुछ नए चरों का भी निर्माण कर पाएंगे। जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन एक कॉमन सा वेरिएबल है और इस पे काफी टूल अवेलेबल है, लेकिन अगर हम चाहें कि जॉब सेटिस्फेक्शन वो फिजिकल एजुकेशन के रिलेशन में हमारे पास अवेलेबल हो, अभी तक जितने भी हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं वो कहीं ना कहीं कॉमन टीचर्स की बात की गई है। अगर हम इनको सब्जेक्ट वाइज बनाना स्टार्ट कर दें, लिटरेचर वाले लिटरेचर टीचर पर काम करें, उनके जॉब सेटिस्फेक्शन पर काम करें और उनके लिए एक टूल बनाएं, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए काम करें, या साइंस टीचर्स के जॉब सेटिस्फेक्शन पे काम करें। तो इस तरह से, जैसे मैं अक्सर साइकिकनेस पे बात करता हूँ कि हम लोगों ने अलग अलग कन्वेंशंस बनाए हुए हैं रिसर्चेस में कि ऐसा डीयू में होता है, ऐसा मुंबई यूनिवर्सिटी में होता है, या ऐसा चेन्नई यूनिवर्सिटी में होता है, ऐसा बीएचयू में होता है। हमें वो दिन लाना चाहिए कि हम सब बात करें कि रिसर्च में ऐसा होता है। अभी तक हम बहुत से कन्वेंशंस में पड़े हुए थे। जैसे कहीं पे आप देख रहे हैं कि लोग रिसर्च क्वेश्चंस यूज करते हैं, कहीं पे रिसर्च क्वेश्चंस की जगह ऑब्जेक्टिव्स यूज किए जाते हैं। तो हमको ऑलवेज वो चीजें अपने रिसर्च में यूज करनी चाहिए जो जेन्युइन हो और जो कन्वेंशंस पे बेस्ड नहीं हो। तो मैं अक्सर लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको उन प्रॉब्लम्स पर काम करना चाहिए जिनके सॉल्यूशंस नहीं है। सैंपल के नेम में आपने थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया, शोलापुर की जगह कोलापुर कर दिया, कोलापुर की जगह आपने मुंबई कर दिया, मुंबई की जगह पुणे कर दिया। तो ये इस टाइप का रिसर्च वर्क हमको नहीं करना चाहिए। टॉपिक चूज कर रहे हैं तो वहां हमारे पास जो प्रॉब्लम होनी चाहिए, अगर वो कुछ जेन्युइन है, कुछ रिसेंट है, और स्पोर्ट्स तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, स्पोर्ट्स में कंटिन्यूअस इवेंट्स हमारे यहाँ होते रहते हैं, अक्सर घटनाएं होती हैं, हर रोज एक नया सितारा उदित होता है,
कभी क्रिकेट में, कभी वॉलीबॉल में, कभी फुटबॉल में। तो हमारे पास काम करने के लिए बहुत है, और हमको जो टॉपिक चूज करना चाहिए वो कहीं ना कहीं कुछ नया हो, सोसाइटी से उसको बेनिफिट हो रहा हो। खैर, तो मैं बात कर रहा था सेकेंड चैप्टर पर, और मुझे कुछ याद आया तो मैं फर्स्ट चैप्टर की तरफ वापस चला गया था। अब बात करते हैं थर्ड चैप्टर। मैंने रिसर्चर्स टेक रिसर्च मेथोडोलॉजी फ्रॉम प्रीवियस रिसर्च। जब आप व्हेन यू रीड, व्हेन यू ऑब्जर्व सम प्रीवियस रिसर्चेस, देन इट इज इजी फॉर अस, हम सभी के लिए बहुत इजी है कि फला रिसर्चर ने ठीक इसी तरह काम किया था हमारे, और उसके सेम वेरिएबल्स थे, हम चलो उसकी पूरी की पूरी मेथडोलॉजी यूज कर लेते हैं, हम भी अपने वर्क में सेम यूज करें। वी शुड नॉट डू दिस टाइप ऑफ, हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि देयर इज ए लैक। और क्या लैक है? यहां पर टाइम गैप है, जिसका भी आप वर्क देख रहे हैं, दोज वर्क वाज एप्रोप्रिएट फॉर दोज टाइम, वो उस टाइम के लिए एप्रोप्रिएट था। अक्सर आप देखते हैं कि मैंने रिसर्चर्स यूज टी टेस्ट एनोवा इन देयर वर्क्स, बट दे डोंट यूज assumptions of test। पहले ऐसा माना जाता था कि आप टी टेस्ट यूज कर लें, डायरेक्टली टी टेस्ट यूज कर लें, अगर इंटरवल स्केल पर है आपका डेटा, नॉर्मल है, तो आपने कर लिया। लेकिन आज सभी टेस्ट के, सभी स्टेटिस्टिकल टेस्ट के अपने assumptions होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं, और अगर वो शर्तें पूरी हो रही हैं, जैसे रेग्रेशन के लिए देर आर 4 कंडीशंस, अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तभी आपको रेग्रेशन यूज करना चाहिए। तो इसी तरह से आपको किसी दूसरे की रिसर्च मेथोडोलॉजी बारो नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने गाइड से या अपने शोध निर्देशक से अपने काम के बारे में परामर्श लेना चाहिए, बात करनी चाहिए कि क्या ठीक रहेगी मेथोडोलॉजी, या दूसरों ने क्या किया है ये आप उनको बता सकते हैं, और अब आपको क्या करना चाहिए इस पे आप डिस्कस कर सकते हैं, और डिस्कस करने के बाद आपको तब मेथोडोलॉजी चूज करनी चाहिए। ये मेथोडोलॉजी या ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंट सिनेरियो के ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड इफ यू चूज सम प्रीवियस रिसर्च मेथोडोलॉजी मींस यू आर टेकिंग सम मिस्टेक्स, यू आर डूइंग सम मिस्टेक्स। इन दिस एरा वी आर, इफ वी आर चूजिंग टी टेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक all assumptions of t-test, then we will use t-test, or t-test hum use karte hain antar nikalne ke liye, do groups mein, ye group same bhi ho sakta hai, different bhi ho sakta hai, means you can use independent, paired, aap kar sakte hain, aur ye antar nikalne ke baad kahin na kahin ek new trend aaya hai, जब हम इफेक्ट निकालते हैं, जब हम इम्पैक्ट देखते हैं, इन्फ्लुएंस देखते हैं, तो ये इन्फ्लुएंस कितना है, उसका साइज क्या है, इसके लिए हम इफेक्ट साइज चूज करते हैं। तो ये चीजें हमको, मींस मेरे कहने का यहाँ पर सिर्फ एक ही आशय है, आपको प्रीवियस रिसर्चेस से रिसर्च मेथोडोलॉजी बारो नहीं करनी चाहिए। आपको जस्ट एक बार प्रीवियस रिसर्चेस की रिसर्च मेथोडोलॉजी
देखनी चाहिए, लेकिन आज के लिए क्या अप्रोप्रिएट है ये आपको अपने शोध निर्देशक से या एक्सपर्ट से बात करने के बाद ही निश्चित करनी चाहिए। उस टेस्ट में इफेक्ट साइज निकाला जा रहा है, और एक ऐसा भी समय है जैसे आप देखते होंगे कि आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई भी चीज खरीदने के लिए अपने कार्ट में उसको इंक्लूड कर लेते हैं। सपोज दैट यू आर चूजिंग ए शू, यू आर चूजिंग ए वॉच और मशीन, आप उसको बाइंग नहीं करते हैं, जस्ट आपने अपने कार्ट में उसको डाला हुआ है, और कार्ट में उसको डालने के बाद आप छोड़ करके भूल जाते हैं, और आप पाते हैं कि अगले 3-4 दिनों तक 6 दिनों तक वो अलग अलग उसी टाइप के प्रोडक्ट्स आपके गूगल स्क्रीन पे विंडो पे आते हैं, वो आपको सजेस्ट करते हैं। आप दिल्ली के लिए टिकट करते हैं और आपके पास ऐड आने लगते हैं कि अगर आप दिल्ली में होटल चाहते हैं या टैक्सी चाहते हैं तो उसके ऐड आने लगते हैं। मतलब मशीन स्टैटिस्टिकल टर्म्स को यूज कर रहा है और इंडिविजुअल स्टैट की एक शुरुआत हुई है। जैसे हम एक क्लस्टर लेते हैं और उस क्लस्टर पर 30 का हमने एक ग्रुप लिया, उस पर हम काम करते हैं, तो जो नए एल्गोरिदम है जो पूरी तरह से क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पर बेस्ड है, वो उस क्लस्टर के, उस ग्रुप के इंडिविजुअल सैंपल पर भी इतना फोकस कर रहे हैं, इतना एनालाइज कर रहे हैं कि बहुत से इफेक्टिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। कुछ दिन पहले का अमेरिका का चुनाव आपको याद ही है। तो यहाँ पर ये चीजें कहने का मेरा एक ही आशय था कि जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं रिसर्च मेथडोलॉजी के, वो आपको यूज करने चाहिए, और अगर आप ओल्ड रिसर्च मेथडोलॉजी प्रीवियस रिसर्चेस से आप चूज कर रहे हैं या ले ले रहे हैं तो ये ठीक नहीं है और एकेडमिक इंटीग्रिटी का वायलेशन है। सिंधे सर, यू आर रेजिंग हैंड्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट हियर। एनी प्रॉब्लम? शिंदे सर, एनी प्रॉब्लम? इन माय ओपिनियन शायद उन्होंने गलती से कर दिया होगा। तो ये हम रिसर्च मेथडोलॉजी की बात कर रहे थे। इन रिसर्च मेथडोलॉजी वी चूज सम वेरिएबल्स। अक्सर हम कुछ वेरिएबल्स चूज करते हैं और कभी कभी we choose so many variables. हम किसी एक बात को, किसी एक प्रभाव को देखने के लिए ढेर सारे variables एक साथ collaborate करके ले लेते हैं, लेकिन in my opinion आपको कहीं ना कहीं उन सारे variables के बीच में correlation भी निकालना चाहिए। सर, फॉर प्लैगरिज्म चेकिंग वी हैव टू डू चेकिंग चैप्टर वाइज और होल थीसिस टुगेदर प्लैगरिज्म, व्हाट इज बेटर? डियर, इफ यू आर चेकिंग पर्सनली देन यू शुड चेक चैप्टर वाइज चैप्टर, एंड इफ यू आर चेकिंग बाय यूनिवर्सिटी देन यू हैव टू चूज होल थीसिस। अगर आप अपने विश्वविद्यालय के थ्रू चेक करने जा रहे हैं तो आपको पूरी थीसिस चेक करानी पड़ेगी, और दे विल डिसाइड कि क्या उसमें अपेंडिक्स यूज करेंगे या वो बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं वो रिव्यू रिसर्चेस के चैप्टर को भी अलग कर देती हैं और बहुत से इंक्लूड करती हैं, तो ये उन पर डिपेंड करता है। तो वो तो पूरा का पूरा एक बंच ही आपसे मांगेंगे कि पूरा चैप्टराइजेशन आप दीजिए एक फाइल में, लेकिन अगर आप पर्सनली उसको चेक कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर चेक करना चाहिए।
हम यहाँ पर बात कर रहे थे, वेरिएबल्स की, कि मैनी रिसर्चर्स टेक सो मैनी वेरिएबल्स इन देयर रिसर्च, और वो बिना इस समस्या को जाने हुए कि क्या ये सारे चर एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन रखते हैं, स्टार्टिंग में ही हमें इनका पार्शियल कोरिलेशन चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभार बहुत ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कॉम्पेटेबिलिटी नहीं रखते हैं और हमारे रिसर्च वर्क में आ जाते हैं, जो आगे जाकर के हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देते हैं। इसीलिए मैं ऐसा देख रहा हूँ अब्रॉड में भी और साउथ की कुछ यूनिवर्सिटीज में देख रहा हूँ कि वो प्रिफर करते हैं कि हुज टॉपिक यू हैड टेकन एट पीजी लेवल, तो देन दे रेकमेंड कि यू शुड कंटिन्यू those topic at PhD level. वो आपको recommend करते हैं कि अगर आपने जो PG level पर जो dissertation बनाई थी, उसी dissertation में जो आपने suggestions दिए थे, जो आपने recommendations किए थे future research के लिए, उन्हीं में से आपको PhD के लिए अपना topic choose करना चाहिए। यही एक कारण है। और यहाँ पर variables की बात करते करते मैं आपको academic integrity में, शुचिता में एक और भी महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि अक्सर sample is more important factor in our research। जो new guys हैं वो अक्सर उनको लगता है ये sample कितना होना चाहिए, इसका size कितना होना चाहिए, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। प्लीज एक्सप्लेन एनी अदर कंटेंट रिक्वायर्ड इन थीसिस अलोंग विद द चैप्टर्स फॉर प्लैगरिज्म। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि एक और भी समस्या है, और ये समस्या है हमारा सैंपल। हमें समझ नहीं आता है कि हाउ मच सैंपल वी शुड चूज, हमें कितना लेना चाहिए। और अक्सर जो नए बच्चे होते हैं उनको लगता है कि सैंपल साइज छोटा होगा तो टी लगा लेंगे, सैंपल साइज बड़ा होगा तो जेड लगा लेंगे। लेकिन प्लीज आप मुझे बताएं कि क्या जेड करने का कोई प्रोसेस SPSS में शो करता है? सभी जेड ही यूज करते हैं, लेकिन उस गलत फहमी के थ्रू या तो हम सैंपल बहुत छोटा ले लेते हैं, या अक्सर लोगों को लगता है कि इफ यू हैव नॉट टेकन 500 तो ये वर्क ही क्या है। अगर आपने 500 का सैंपल पीएचडी में नहीं लिया तो क्या किया है? लेकिन कभी कभार ऐसे टॉपिक भी चूज हो जाते हैं ये सैंपल का साइज बढ़ाने में कि मुझे लगता है कि शायद कोई 15 इयर्स भी इफ एनी रिसर्चर विल स्पेंड ऑन दिस नहीं कर पाएगा। अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक रिसर्चर से मिला, वो फिजिकल एजुकेशन से ही थी और उन्होंने टॉपिक लिया हुआ था इंडियन वीमेन एथलीट, इंडियन नेशनल वीमेन एथलीट्स के मेंसुरेशन प्रॉब्लम्स पर, और ये साइज था 500। मैंने एक बार चेक किया उनका टॉपिक और उसके बाद में मैंने उसको बंद कर दिया। मैंने उनसे कहा कि हाउ इट इज पॉसिबल दैट ये नेशनल लेवल की एथलीट महिलाएं, नेशनल लेवल की, और वो भी 500 आपको मिल जाएंगी।
तो उन्होंने कहा वी विल ट्राई। मैंने कहा ठीक है, जब आपको मिल जाए तो फिर मैं आपको कुछ स्टैट क्या आप यूज कर सकते हैं, तब फिर हम इस पर बात करें। तो अक्सर हमें इस सैंपल के लिए कोहेन ने 1965 में 1971 में अपनी सैंपलिंग टेक्निक्स में एक सैंपल साइज का फॉर्मूला दिया था, छोटा सा फॉर्मूला है, और मैं ऑलवेज अपने सारे रिसर्चर्स को ये फॉर्मूला रेकमेंड करता हूँ कि आपको अपनी पॉपुलेशन में उसको यूज करके देखना चाहिए और इट विल गिव यू ए एप्रोप्रिएट सैंपल साइज। ये आपको एक एप्रोप्रिएट साइज देगा। इसके बाद हम आते हैं सैंपलिंग टेक्निक्स। अक्सर लोग पढ़ते हैं कि आपने कैसे अपना हाउ यू सिलेक्टेड योर सैंपल, व्हाट इज योर सैंपलिंग टेक्निक, और एक चिरपरिचित शब्द है रैंडम सिलेक्शन। लोग इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी बार हमको क्लस्टर, बहुत सी बार सिस्टमैटिक, बहुत सी बार स्नोबॉल और बहुत सी बार परपस्यू कहीं ना कहीं हमें इस सैंपलिंग टेक्निक्स पर बहुत ध्यान पूर्वक देखने की जरूरत। रिसर्च मेथोडोलॉजी इज योर बैकबोन ऑफ योर रिसर्च वर्क। अगर आप इसको ठीक से चूज नहीं करते हैं तो ये भी आपकी एकेडमिक इंटेग्रिटी का वायलेशन है। जो चीज आपको करनी चाहिए थी वो आपने नहीं की और आपने कुछ गलत मेथड चूज कर लिए और बनाने चले थे आप रबर और बन गया इस्पात। यू वाज इन्वेंटिंग द आयरन एंड यू मेड प्लास्टिक। तो इट इज ए बिग प्रॉब्लम। आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में बहुत सी रिसर्च कि आप टेक्निक क्या यूज कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ये एक्स पोस्टो पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च है, ये आपको पहले ध्यान से देख लेना चाहिए, इस पर डिस्कस कर लेना चाहिए और तब आपको इसको चूज करना चाहिए। रिसर्च डिजाइन भी और टी टेस्ट में भी आपके पास डिवाइडेशन है। आप कौन सा टी टेस्ट यूज, मतलब कोई भी आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज कर रहे हैं तो क्या वो एप्रोप्रिएट हैं? क्या आपका सैंपल साइज एप्रोप्रिएट है? क्या आप इंटरवल स्केल में डेटा पाओगे? योर क्वेश्चनेयर और स्केल और टूल इज स्टैंडर्डाइज। अगर ये मानकीकृत प्रश्नावली है तब तो ठीक है, अदरवाइज यू शुड डू स्टैंडर्डाइज। बहुत से रिसर्चर बिना मानकीकृत किए हुए एक प्रश्नावली का निर्माण करते हैं और उसके बाद अपना कार्य करते हैं और अक्सर उनसे इस पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, यू हैव स्टैंडर्डाइज योर क्वेश्चनेयर। कभी कभार वो रिलायबल नहीं होता है तो कभी कभार वो वैलिड नहीं होता। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी हमारे पास ढेर सारे एकेडमिक इंटेग्रिटी के इश्यूज होते हैं, हर लेवल पर एक इशू होता है। और इसके बाद फिर डेटा की बात आती है कि व्हेन यू गो collect the data from your sample, then आप पाते हो कि sample तो तैयार ही नहीं है आपसे बात करने के लिए, उनके पास समय ही नहीं है,
आपको अक्सर लगता है कि ये सारा काम आपको घर में आराम से बैठ के इस क्वेश्चनेयर को भर के कर लेना चाहिए. मीन्स यू ओपन योर एसपीएसएस एंड यू फिल डायरेक्टली योर डेटा, बट यू विल नॉट गेट जेन्युइन रिजल्ट्स. यू कैन टेक योर डिग्री विद दिस डेटा, पा सकते हो, लेकिन आपके रिजल्ट्स इफेक्टिव नहीं होंगे. और रिजल्ट्स भी इफेक्टिव नहीं होंगे यदि आप फील्ड में रियली डेटा कलेक्ट करने नहीं जाते हैं, तो आपको फील्ड प्रॉब्लम्स भी नहीं मालूम होंगी. और आपका ये जो वर्क है वो ना सोसाइटी के लिए यूजफुल होगा ना ही आपके लिए यूजफुल. तो इन माय ओपिनियन मैं ऑलवेज रेकमेंड करता हूं कि भले ही आपका सैंपल साइज छोटा हो, लेकिन ये सारा काम आपको फील्ड में जाकर करना चाहिए. बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं आपके सैंपल के गेस्चर्स, जेस्चर्स, मेंटेलिटी, वो सारी चीजें आप वहीं पर ऑब्जर्व कर पाते हैं. और खास करके कुछ ऐसे स्ट्रीम है जैसे कि फिजिकल एजुकेशन. अभी जो ऑनलाइन सर्वे का एक ट्रेंड हमारी व्यवस्था भी थी ड्यू पेंडेमिक, और प्रॉब्लम भी थी, इसकी वजह से ये एकदम से बहुत ज्यादा प्रचलन में आया. लेकिन इस ऑनलाइन सर्वे से बहुत से प्रॉब्लम्स भी हैं. ये कहीं भी इसको सेंड कर दिया जाता है और रिसर्चर राइट देयर इट इज रिलेटेड टू आवर रिसर्च वर्क, प्लीज फिल दोस क्वेश्चंस, प्लीज अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस, और ये इंफॉर्मेशन दीजिए. और वो व्यक्ति रिलेटेड ही नहीं है उस वेरिएबल से, या वो आपका सैंपल ही नहीं, जस्ट यू आर टेकिंग फॉर्मेलिटी. वो व्यक्ति आपके सैंपल से रिलेटेड ही नहीं है और आप सोशल मीडिया में जस्ट आप भेज रहे हैं कि प्लीज फिल, प्लीज फिल, प्लीज अटेम्प्ट, सभी उसको भर रहे हैं. इवन कोई व्यक्ति हो सकता है कि बिजनेस कर रहा हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, और वो देखता है और वो भी क्यूरियस हो गया, उसको फिल कर देता. क्या करेंगे, कैसे आप उसको वेरीफाई करेंगे कि हूज रेस्पोंडेंट इज रेस्पॉन्सिंग योर सर्वे फॉर्म, वो व्यक्ति वैलिड है, वो व्यक्ति आपके काम से जुड़ा हुआ है या यूजफुल है, कैसे आप ये निश्चित करेंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सैंपल साइज छोटा लेना चाहिए, लेकिन जो भी आपको डेटा कलेक्ट करना चाहिए वो अपने लेवल पर उसके पास जाकर के कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन डेटा कलेक्शन की अपनी कुछ अलग प्रॉब्लम्स हैं. या तो आप उस स्पेसिफिक ग्रुप में भेजें जहां पर आपके रिसर्च वर्क से रिलेटेड सैंपल हो. तो हम मेथोडोलॉजी में ढेर सारे इश्यूज हो सकते हैं एकेडमिक इंटीग्रिटी के, वो हाइपोथेसिस लेवल पर, वो सैंपल साइज के लेवल पर, वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के लेवल पर. बहुत से दफे we do not fulfill the assumptions of particular test. हम regression के assumptions fulfill नहीं कर रहे हैं, हम t-test के assumptions fulfill नहीं कर रहे हैं, तो हम मान व्यक्ति में चले जाना चाहिए. हम अगर regression के assumptions fulfill नहीं कर रहे हैं तो हमें उसके लिए दूसरे test use करने चाहिए. ATI टेस्ट यूज कर सकते हैं, CVLS है, PPT कर सकते हैं. तो
ये निश्चित नहीं है कि नहीं हमने यही टेस्ट ही करने हैं, वो वहां पे टेस्ट यूज ही नहीं हो सकता है, और नहीं यूज हो रहा है तो हमको वहां से दूसरे टेस्ट चूज करने हैं। और अगर हम एजम्पशन ही नहीं चेक कर रहे हैं और बस हमने टी टेस्ट लगाना है, हम लगाएंगे ही। तो इस तरह से मेथडोलॉजी में भी ढेर सारे एकेडमिक इंटेग्रिटी के इश्यूज होते हैं, और इसी तरह से हम बहुत सारे इश्यूज फोर्थ चैप्टर में भी पाते हैं। देयर इज ए बिग इशू रिलेटेड टू डेटा। फोर्थ चैप्टर में क्वांटिटेटिव रिसर्च में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम वहां फिट टुगेदर करने लगते हैं। फिट टुगेदर मींस कि यदि हम कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल ले रहे हैं, यदि हम वहां प्री और पोस्ट ले रहे हैं, तो अक्सर हम ये खेल करने लगते हैं कि प्री में कम आना चाहिए, पोस्ट में अगर पॉजिटिव बैटरी यूज कर रहे हैं तो हमें लगता है कि देयर इज सो इजी कि वी शुड रिफ्लेक्ट पोस्ट डेटा को हमने कम दिखाना है और जो सॉरी प्री डेटा को कम दिखाना है और पोस्ट डेटा को ऐसा दिखाना है कि हमारे इंटरवेंशन प्रोग्राम देने के बाद, ट्रीटमेंट देने के बाद उनके उन गुणों में वृद्धि हुई है। आफ्टर ट्रीटमेंट आवर सैंपल बेनिफिटेड बाय अस। हमने उसको ट्रीटमेंट दिया, हमने उसको इंटरवेंशन दिया और वो हमसे बेनिफिटेड हुआ। मींस ये दिखाना जरूरी है। बहुत से रिसर्चर्स के माइंड में एक माइंडसेट होता है कि अगर सार्थक अंतर आता है देन आवर रिसर्च इज सक्सेस। बट रिसर्च इज ए साइंस, इट इज नॉट रिलेटेड टू सक्सेस और डिफीट। अगर आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस नहीं भी मिलते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका रिसर्च वर्क एप्रोप्रिएट नहीं है। बट मैनी रिसर्चर्स थिंक अबाउट इट, इसके बारे में ऐसा ही सोचते हैं कि अगर हमने कोई सार्थक अंतर प्राप्त नहीं किया, इसका अर्थ है कि हमारे कार्य का अब कोई वैल्यूएशन नहीं, कोई मूल्य नहीं। जबकि उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि रिसर्च इज ए प्रोसेस, वैल्यूएबल योर प्रोसेस, योर प्रोसेस इज वैल्यूएबल। यू डिड योर वर्क, इफ यू हैव नॉट गॉटन द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, नो प्रॉब्लम। अगर आपने सार्थक अंतर नहीं प्राप्त किया है, हो सकता है कि प्री और पोस्ट में अंतर नहीं आया है या पोस्ट में भी कम आया है, तो हो सकता है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज और साइंस में एक डिफरेंस है। जैसे हम साइंस में अगर कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं तो देयर यू कैन कंट्रोल द टेम्परेचर, यू कैन कंट्रोल द विंड, यू कैन क्रिएट द वैक्यूम। बट हियर वी से वी कॉल कंट्रोल ग्रुप, लेकिन क्या वो कंट्रोल ग्रुप आपका ट्रीटमेंट बस उसको नहीं मिलता है, लेकिन क्या वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है उस टाइमिंग में? क्या वो दूसरी क्लासेस नहीं कलेक्ट कर रहा है? क्या उसका डेवलपमेंट रुक गया है? तो मे बी की कंट्रोल के भी मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं एक्सपेरिमेंटल से। तो यहां पर हमें इस इशू को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना चाहिए, वरीड नहीं होना चाहिए। ऐसा हो सकता है और
कोई भी रिसर्चर, कोई भी एक्सपर्ट, एनी एक्सपर्ट, चेक योर प्रोसीजर. दे डू नॉट चेक योर रिजल्ट्स, दे ऑब्जर्व योर रिजल्ट्स. वो आपके प्रोसेस को देखते हैं. एडिशन ने, एडिशन इन्वेंटेड बल्ब, बट व्हेन ही इन्वेंटेड देन दोज एक्सपेरिमेंट अप्रोक्स 1000 एक्सपेरिमेंट्स किए, तब ही देन ही गॉट ए बल्ब. तो क्या 999 एक्सपेरिमेंट्स एक्सपेरिमेंट्स नहीं थे? क्या वो प्रोसीजर रिसर्च नहीं था? ओनली 1000वां एक्सपेरिमेंट ही उसका रिसर्च था? सो दैट इस कन्वेंशन को या इस गलत धारणा को अपने मस्तिष्क से हमें निकालना चाहिए और हमें अपना रिसर्च वर्क, रिसर्च का एवरी स्टेप हमको इंटेग्रिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, सुचिता के साथ पूरा करना. एंड नाउ वी कम एट फिफ्थ चैप्टर, मींस डिस्कशन. मैं कल भी आपसे बात कह रहा था कि चाहे ह्यूमैनिटीज हो, सोशल साइंस हो या साइंस हो, दिस चैप्टर इज योर्स. इन फर्स्ट चैप्टर यू हैव टेकन ऑल द मैटर फ्रॉम अनदर सोर्सेस, इन सेकेंड चैप्टर यू हैव टेकन रिव्यू रिसर्चेस फ्रॉम अनदर सोर्सेस, इन थर्ड चैप्टर यू हैव फिक्स्ड द मैथडोलॉजी फ्रॉम प्री डिसाइडेड मैथडोलॉजीज. वहां से आप इंस्पायर होके आपने उसको फिक्स किया है. You have done your calculation with SPSS or other softwares, Ivo, Atlas TI. There are so many softwares. Or कहीं ना कहीं आपने अपना कैलकुलेशन या डिस्क्रिप्शन दूसरे सॉफ्टवेयर्स के हेल्प से किया है. बट दिस चैप्टर बिलोंग विद योर ओरिजिनल. हियर हुज रिजल्ट्स यू हैव गॉटन बाय योर कैलकुलेशन, जो भी आपने परिणाम प्राप्त किए हैं, वो हो सकता है कि दो साहित्यों की तुलना से आपने प्राप्त किए हैं, हो सकता है कि दो ग्रुप के तुलनात्मक अध्ययन से प्राप्त किए हैं, हो सकता है कि दो तत्वों के तुलना से आपने प्राप्त किए हैं, दो वेरिएबल्स की तुलना से प्राप्त किए हैं. वो भी रिजल्ट्स आपने प्राप्त किए हैं, उन पर जो डिस्कशन आप करते हैं, वो फिफ्थ चैप्टर में जनरली इस कंटेंट को कहीं से लिया नहीं जा सकता है. लेकिन इसके बावजूद भी सो मैनी रिसर्चर्स टेक फ्रॉम अनदर सोर्सेस, अनदर प्रीवियस रिसर्चर्स, दे टेक फ्रॉम अनदर रिसर्चर्स, लेते हैं. What are recommendations for teachers? What are recommendations for students? What are recommendations for policy makers? What are recommendations for players? What are recommendations for ministries? आपको ऐसा लगता है कि methodology की तरह हमको previous researches से ये भी देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है, और उन्होंने जिसको जिसको recommend किया होगा हम भी करेंगे. आप देख सकते हैं कि उन्होंने किसको रिकमेंड किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने रिकमेंडेशंस करने चाहिए, अपना डिस्कशन करना चाहिए. और बेसिकली इस चैप्टर में यू राइट हियर कि हाउ एंड व्हाई यू गॉट दोज रिजल्ट्स. आप टेंटेटिव रीजंस यहां पर लिखते हैं,
आपने पाया कि महिला क्रिकेट खिलाड़ी पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों की तुलना में ज्यादा गंभीरता से सीखने का प्रयत्न करती हैं, या महिला बैडमिंटन प्लेयर वीमेन बैडमिंटन प्लेयर्स आर मोर बैडमिंटन वोमेन बैडमिंटन प्लेयर्स हैविंग मोर कैपेसिटी देन मैन बैडमिंटन प्लेयर्स। कुछ भी इस तरह का जो आप रिजल्ट पाते हैं वो यहां पर उसके आप जो रीजन देते हैं, आप एक रीजन देते हैं कि महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए देयर इज ए लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एक लैक है, एक अभाव है यहां पर, इसलिए वो अपने कार्य को अधिक गंभीरता से करने का प्रयत्न करती हैं। उनका एक्सपोजर इस देश में बहुत ज्यादा नहीं है पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों की अपेक्षाकृत, इसलिए वो अधिक गंभीरता से सीखती हैं। कहीं ना कहीं समाज में भी उनके क्रिकेट खेलने को लेकर के बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, सीरियस हैं कि उनको बहुत आगे तक जाना है। ऐसा नहीं है कि वो खेलते ही रह जाएं या नेशनल लेवल पे ना जा पाए तो उनको जॉब के लिए भी बीच में ट्राई करना है। तो इस तरह के जो आप टेंटेटिव रीजन अपने रिजल्ट्स के लिए असाइन करते हैं डिस्कशन में, या प्रीवियस रिसर्चेस से मैच करते हैं, वो आपका कार्य है, यही आपका ओरिजिनल वर्क है, और इसको बेसिकली आपको अपने शब्दों में लिखना चाहिए, इसको कहीं से आपको लेना नहीं चाहिए। अक्सर हम केस स्टडीज करते हैं प्लेयर्स पर, राइटर्स पर, साइंटिस्ट पर, और ये देखने की कोशिश करते हैं कि दूसरे बायोग्राफर ने या हेगियोग्राफर ने किस तरह से लिखा है। विवियन रिचर्ड्स की ऑटोबायोग्राफी में क्या है, तो मैराडोना की बायोग्राफी में क्या है, तो सचिन ने किस तरह से लिखा है, तो उसको हम कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करते हैं और फिर उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आप इंस्पायर हो सकते हैं लेकिन आपको वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं करना चाहिए, मैं तो कहता हूं उनके ट्रेंड को भी कॉपी नहीं करना चाहिए, आपको अपने शब्दों में अपने तरीके से नए तरीके ईजाद करना चाहिए। तो ये हम फिफ्थ चैप्टर में देख रहे थे किस तरह से हम शैक्षणिक शुचिता का उपयोग कर सकते हैं, और मैंने अपनी तरफ से जो आपके 5 सामान्य अध्याय होते हैं जो हम कॉमन चैप्टराइजेशन करते हैं, तो उनमें किस तरह से हम एकेडमिक इंटेग्रिटी को बनाए रख सकते हैं या हमको वी शुड डू केयरफुल रहना चाहिए, इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। एंड इफ यू हैव सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू टुडेज कंटेंट और प्रीवियस कंटेंट यू कैन रेज एट चैट। हेलो जी सर। मैडम अगर बच्चों के पास कुछ क्वेश्चन हो, हाँ तो शैक्षणिक शुचिता से संबंधित या साहित्यिक चोरी से संबंधित, तो दे कैन रेज एट चैट बॉक्स और क्वेश्चन आंसर बॉक्स। Or if any student has any sort of doubt, please type your question in the chat box. Actually, they are starting the research process. So in my opinion, they have not any question or इनके मन में एक ही सवाल हो सकता है
और वो ये है कि इनको अपना टॉपिक कैसे चूज करना चाहिए। इनका टॉपिक चूज हो चुका है सर। अच्छा, अभी ये काम करना शुरू करेंगे। ओके, अप्रूवल आ गया है यूनिवर्सिटी ने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है। एक क्वेश्चन है सर, देखिए। Is there plagiarism in the survey research? How to avoid it? तो ये जितनी भी हम बात कर रहे थे वो सर्वे रिसर्च के आसपास ही कर रहे थे, और सर्वे रिसर्च में भी ढेर सारा प्लैगरिज्म हो सकता है, प्लैगराइज मैटर भी हो सकता है। इफ यू टेक योर क्वेश्चनर फ्रॉम अनदर रिसर्च देन इट इज प्लैगराइज प्लैगरिज्म। अगर आप सर्वे का क्वेश्चनर ही किसी दूसरे का ले लेते हैं और आप मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि देयर आर सो मैनी टूल्स एंड स्केल्स हुज आर नॉट स्टैंडर्डाइज बट वो यूज किए जा चुके हैं। बहुत से हमारे पास ऐसे टूल्स और स्केल्स हैं जिनको स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया है या पब्लिश नहीं किया गया है, और बहुत से बच्चे सर्वे रिसर्चेज में उनको कहीं से पा लेते हैं और अपना बता के उसको यूज कर लेते हैं। तो सर्वे रिसर्च में इस टाइप की अक्सर एक प्रॉब्लम आती है। और एक दूसरी प्रॉब्लम सर्वे रिसर्च में कि हम वी टेक ऑल ओवर डेटा फ्रॉम अनदर डेटा या फ्रॉम अनदर रिसर्च। सर विद्यासागर पिंपरी पुणे से इसका एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। जी, सर्वे रिसर्च के रिसर्च टूल्स किस तरह के होंगे? रिसर्च टूल्स आप अपने क्वेश्चन का जवाब आप खुद ही दे रहे हैं। इफ यू आर चूजिंग द सर्वे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड योर वेरिएबल, यू हैव टू डिसाइड योर रिसर्च प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कि आप सर्वे किस पर करना चाहते हैं, और सर्वे आप जिस पर करना चाहते हैं तो सपोज दैट उससे रिलेटेड प्रश्न वहां होने चाहिए, और वो प्रश्न इस तरह के होने चाहिए कि रिलायबल हो। रिलायबल मींस कि विद्यासागर जी अगर उन प्रश्नों को किसी से पूछेंगे तो वही उत्तर आएगा, और प्रमोद गुप्ता किसी से पूछेगा तो भी वही उत्तर आएगा, दैट इज रिलायबिलिटी। और अगर आप उनको अचीवमेंट, सपोज दैट कि साइकोलॉजिकल अचीवमेंट के लिए आप बना रहे हैं तो उनसे साइकोलॉजिकल अचीवमेंट ही आना चाहिए, ऐसा नहीं कि बायोलॉजिकल अचीवमेंट उनसे आ जाए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वैलिड नहीं है। तो मींस सर्वे में आपको सबसे पहले क्वेश्चनायर के मामले में प्रॉब्लम होती है या प्लैगराइज मैटर की प्रॉब्लम होती है। और आप कह रहे हैं टूल किस तरह के होंगे, तो ऑब्वियसली जिस पर आप सर्वे करेंगे ये आपको सोचना है कि वो टूल आप कहाँ से पाएंगे, वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं कि नहीं। अगर ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो फिर आपको उसमें ये देखना पड़ेगा कि जो आपके सैंपल का फ्लेवर है, मीन्स इफ यू आर चूजिंग योर सैंपल रिलेटेड टू चाइल्डहुड, रिलेटेड टू एडोलसेंट, तो आपको ये देखना होगा कि स्टैंडर्डाइज किया गया है जो टूल वो क्या उन बच्चों के लिए बनाया गया है, और अगर उनके लिए बनाया गया है तो आप उसको लेंगे। तो सर्वे में ये जो आपने पूछा, आपने अपने प्रश्न का खुद ही जवाब दे दिया। सर, कैन द क्वेश्चनर बी सेल्फ मेड बाय द रिसर्चर? व्हाई नॉट, यू कैन मेक, सभी बनाते हैं अपने अपने रिसर्च में। और एक छोटा सा प्रोसीजर है इन माय ओपिनियन कि अगर आप अपनी मैम को उनका एक घंटे का भी टाइम ले लेंगे तो वो आपको प्रोसीजर समझा देंगे, और बहुत ही इजी प्रोसेस है। और मैं तो हमेशा सभी को ये प्रोवोक करता हूँ कि न्यू टूल्स बनाने चाहिए।
जैसे हम रिव्यू रिसर्चेस करते हैं रिव्यू लिटरेचर के चैप्टर में, वैसे हमको टूल मेकिंग के लिए भी पहले से प्री अवेलेबल टूल्स की एक लिस्ट बनानी चाहिए और उन प्री अवेलेबल टूल्स की गैप्स पर काम करना चाहिए कि यस दिस टूल्स आर अवेलेबल, ये पहले से अवेलेबल हैं, लेकिन इनमें क्या क्या कमियां हैं और क्यों हम एक नया टूल बनाने के लिए बाध्य हुए, क्यों हम बना रहे हैं। तो जब आप अपनी ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखेंगे, जब आप अपने टूल का रेशनल लिखेंगे, तो लिख सकते हैं आप कि आप क्यों बना रहे हैं। और सभी रिसर्चर को बनाना चाहिए, मैं तो कहता हूँ पुराने वेरिएबल्स पे भी बनाना चाहिए और न्यू वेरिएबल्स पे भी बनाना चाहिए। इट इज कॉल्ड अ कस्टम मेड क्वेश्चनर। ओके जसप्रीत, कस्टम मेड क्वेश्चनर, यू कैन मेक द क्वेश्चनर योरसेल्फ। यस, बनाना चाहिए और आप बना सकते हो, लेकिन अगर आपने स्टैंडर्डाइज किया है तभी इट विल रिकॉग्नाइज बाय योर एक्सपर्ट एंड योर चेकर। अगर आप क्वेश्चन आंसर बॉक्स में और क्वेश्चन है शायद, एक मिनट मैं देख रहा हूँ। एक तो कामले जी ने पूछा है, और कामले जी आपके पर्सनल क्वेश्चन है, आप शायद जमा करने वाले हैं अपनी थीसिस में भी, कि एक दिन हमने फोन पे भी बात की थी, तो आपको अगर कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू प्लैगरिज्म आप मुझसे पूछ लीजिएगा, है ना। हाउ टू सेलेक्ट द वेरिएबल्स, इज देयर एनी क्राइटेरिया व्हाइल सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। मैं इसके बारे में, वी कैन टॉक अबाउट दिस, कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फोकस ऑन सम प्रीवियस रिसर्चेस रिलेटेड टू योर रिसर्च प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो आपको पूर्व में हुए शोधों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि जो इसी तरह के वर्क पहले भी हो चुके हैं उन्होंने किन किन वेरिएबल्स को लिया था, और उन्होंने जिस समय किया था उसके बाद अभी तक क्या परिवर्तन आए हैं, अब क्या हम ले सकते हैं। जैसे सपोज दैट हम गुणवत्ता की बात करें, इफ वी आर वर्किंग ऑन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ स्पोर्ट्स कॉलेजेस, बिफोर पैंडेमिक क्या आपको ऐसा लगता है कि सैनिटाइजेशन एक कंपलसरी प्रोसेस था? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में या अभी भी ये क्वालिटी का एक पैरामीटर हो गया है। क्या आपके कॉलेज में पर डे सभी का टेम्परेचर चेक किया जाता है? क्या आपके यहाँ सैनिटाइजेशन का प्रॉपर फैसिलिटी है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, ऑफिस ह्यूमन पावर्स के लिए? तो ये जो वेरिएबल्स हैं या कुछ इस तरह के पैरामीटर्स हैं, दे आर चेंजिंग कंटिन्यूअसली और टाइम टू टाइम ये चेंज होते हैं। तो हमको सबसे पहले तो प्रीवियस रिसर्चेस का अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद हमको क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे मैं अक्सर अभी ये सोचता हूँ कि हम सारा कुछ तो, जैसे फिजिकल एजुकेशन एक इस टाइप का स्ट्रीम है जहाँ पर आपको एकेडमिक कंटेंट पर भी ध्यान देना होता है और दूसरा कहीं ना कहीं फील्ड एक्टिविटीज पर भी ध्यान देना होता है। तो मैं एक दिन सोच रहा था कि हम लोग तो अपने घरों से कंटिन्यू कर लेते हैं या स्टूडेंट्स कंटिन्यू कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल एजुकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फील्ड एक्टिविटीज को लेकर के जरूर हो रहा होगा, क्योंकि फील्ड में भी वही प्रॉब्लम्स हैं। हम सभी अपने घरों में थे या हैं, सभी के फील्ड एक्टिविटीज रुके हुए थे। तो आप न्यू वेरिएबल्स के लिए जब तक क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे, जब तक आप अपने एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, तो आपको न्यू वेरिएबल्स नहीं मिलेंगे। और ऐसा कोई सेट वेरिएबल सिलेक्शन का कोई सेट फार्मूला अभी तक नहीं है, वही वेरिएबल्स आपके लिए अप्रोप्रिएट हैं जो आप या तो प्रीवियस रिसर्चेज में जिन पे काम किया जा चुका है
और या तो आप पायलट स्टडी कर सकते हैं, आपकी पायलट स्टडी में पार्शियल कोरिलेशन आप निकाल सकते हैं, ये सारे वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सार्थक सहसंबंध रखते हैं या नहीं रखते हैं। और अगर नहीं रखते हैं तो बाद में हमें वही रिजल्ट्स मिलेंगे पूरे रिसर्च थीसिस के बाद, उससे बेटर है कि हम पार्शियल कोरिलेशन अगर पहले ही निकाल लेंगे तो हमारा वर्क और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। प्लीज इफ अनदर क्वेश्चंस, मैडम जी सर, इन माय ओपिनियन वी हैव नॉट, अभी कोई क्वेश्चंस नहीं है। यस yes, तो हाँ बस मैं कंक्लूड करती हूँ सर। बिल्कुल। ओके, सो टुडे ऑल वी हैव कम हियर एट द एंड ऑफ 7 days फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम on writing of proposal and research thesis. From bottom of my heart, I thank the organizer and the resource person, Dr. Pramod Gupta and Dr. Sansanwal sir. Also, I would like to take this opportunity to thank the principal of BPCA College, Dr. Pargavkar sir, and the management of BPCA for making this event successful. Thank you one and all the participants, those who have participated in this workshop, to them also a big thank you. Thank you very much, sir. We will look forward for more collaboration in the future. Of course, ma'am. And many, many thanks to you, ma'am, especially for you. Or without your support, without your active support, it was not possible. Yeah, yeah. Thank you so much. Ko sampann karna sambhav nahi tha. And many, many thanks to all participants. Many, many thanks to Dr. D.N. Sansanwal sir and your principal sir. Thank you. We will thank meet you again in another program. Yes. Yeah. Thank you one and all. So, sir, hum yahan par abhi close kare? Yes. Yes. Thank you very much.